कैसे रहेगा क्या? खुदा का वास्ता मेरा करवाने वास्ते। अद्रमान मेरा बच्चा, मेरा शहजादा, मेरा पुत्र। अद्रमान ऐसा रोते हैं? तुझे कहा है? अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे पहले मेरी बात सुन लो। अच्छा, ये वीडियो जो अभी आप लोग देख रहे हो, ये वाली वीडियो ये हुई है कल रात को शूट हुई है। सीन ये है कि अगर आप लोगों ने कल वाला ब्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि मैं और मेरी अम्मा गए थे ग्रोसरी करने। आधा सामान मैं खुद ले आया था घर और आधा सामान मामा ने अच्छी तरह तसल्ली से शॉपिंग करके, आपको पता औरतों की बड़ी मतलब ऐसे दाल लेनी है ये वो, मतलब काफ़ी चीज़ें लेके उन्होंने फिर घर आना होता है। तो मैं अभी घर आ गया हूँ। सीन ये है कि अभी मैं करने लगा हूँ अम्मा के साथ बहुत ही अलग किस्म का प्रैंक। उनको कोशिश तो ये करूँगा कि उनको इमोशनल करके ना उनको भी रुला दूँ मैं, कि मैं खुद भी रो रहा हूँ तो मैं उनको भी रुला दूंगा। प्रैंक ये करना है कि जहाँ पे मेरी मतलब की बातचीत हो रही थी रिश्ते की, तो उन लोगों ने इनकार कर दिया और लड़की का रिश्ता अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह कभी ऐसा ना करे, उस लड़की का रिश्ता कहीं और हो गया। ठीक है, अब मतलब आप लोगों की जो होने वाली भाभी हैं उनका रिश्ता कहीं और हो गया। तो बाकी मैंने यही कहना है कि फिर उनके सामने रोना धोना है और ऐसे सीन करेंगे ना, बस जैसे ही हम आती हैं फिलहाल कैमरा सेट कर देता हूँ, जैसे ही हम आती हैं साथ में कैमरा ऑन कर दूँगा और फिर उनके साथ इंशाल्लाह प्रैंक कर लेंगे। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली जितनी वीडियो है वो आप लोगों को नजर आती रहें। अच्छा जी, कैमरा वगैरह सब कुछ सेट कर दिया मैंने, अब जैसी अम्मा दोबारा आएंगी तो मैं कैमरा ऑन कर दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल मैं कैमरा बंद कर। अब्दुलरहमान फोन क्यों उठा रहा था? हैं? फोन क्यों उठा रहा था? कितने दिन मैंने फोन किए, क्या हुआ? ओए क्या हुआ, क्या हुआ बताओ ना। नहीं हुआ, रुक जा का वास्ता, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, आगे जिंदगी में कम टेंशन है। क्या हुआ मैं बताओ बेटा, क्या हुआ बताओ मुझे, क्या हुआ है? नहीं हुआ, बताओ तो सही क्या हुआ, कुछ तो बताओ ना। फोन भी तो नहीं उठा रहा था, मैं तुझे कब का फोन कर रही थी उधर, क्या हुआ बताओ ना मुझे, है रो क्यों रहा? नहीं रो रहा मैं, बताओ तो सही क्या हुआ, रो क्यों रहा बता। अब्दुलरहमान क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या हुआ है बता, क्या हुआ, क्या हुआ है बता तो सही। हाँ भाई देख सरा कैसे रो रहा है मेरा इतना प्यारा बेटा, बता तो सही क्या हुआ मेरे बच्चे शादे। अब्दुलरहमान मेरा बच्चा क्या हुआ बता तो सही। किसने बताया तुझे? दोस्त ने। हैं? क्या पता झूठो बेटा, ऐसा किसा हो सकता है भला, उनसे मेरी बात हुई हुई है। हैं? मैं क्या कह रही हूँ, हो सकता है सहेली ने भी प्रैंक वगैरह किया हो, ऐसे ही तुझे कहा हो। हैं? मेरा बच्चा ऐसे, चल कोई बात नहीं कर लेते हैं, कोई अभी बात हो जाएगी, कोई बात नहीं, मेरे से बात हुई भी है बेटे, इस तरह नहीं वो करेंगे, मुझे पता है ना। अभी हो सकता बेटे, अपनी मर्जी के मालिक है, उनकी बेटी है जो मर्जी करे, लेकिन तू इस तरह तो ना कर बेटे। हमारी बात नहीं हुई से, हम गए नहीं से। क्या कह सकती इस बारे में? मैं आप लोगों को कहता था कि यहाँ पे रिश्ता ना करे, मैंने भी नहीं करना, लेकिन आप लोगों की मर्जी से हुआ, आप लोगों ने मेरा दिमाग बनाया कि हाँ इधर ही करना है। अब मैं उधर, मैंने सोचा कि उधर ठीक है, उधर ही करते हैं, बात करने उन्होंने कहीं और कर दिया उसका। तो इसमें इतनी रोने वाली पुटा क्या बात है, क्या हो गया? अभी भी मुझसे खत्म नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं हुई है, हो जाते हैं बच्चियों के रिश्ते तय हो जाते हैं, एक बातचीत हो जाती है, मुझे पता है, मैंने शायद उनसे फोन किया या मैं बात की उनसे तो पता लग गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो ऐसे ही कर रहा बस छोड़। मैं भी उनसे बात करती हूँ, मैं भी बात करती हूँ, मेरा फोन नंबर किस है? अब नहीं करनी किसी से बात, मुझे पता मैंने क्या करना है। चल मैं उसको कुरान की कसम, मैं कहीं भी उसका रिश्ता नहीं होने दूंगा, बस रहने दे, मैं तो कहीं और रिश्ता नहीं होने दूंगा मैं उसका, या तो मैं अपने आप को मारूंगा या तो मैं उसका रिश्ता नहीं होने दूंगा। तोबा कर, इस्तगफार पढ़ ले, मैं तो गोली मारूंगा या तो फिर मैं उसका नहीं होने दूंगा। गोली मारूंगा, गोली है तेरे पास तू मारेगा है? मैं अपना रिश्ता नहीं होने दूंगा उसका। अब्दुलरहमान तू कैसी बातें कर रहा है बेटे,
ऐसे करते हैं, रिश्ता नहीं होने दूंगा, वो उसके वालदे ना वो जो मर्जी करे, तू उनका क्या लगता है बताना जरा मुझे, तो ऐसा करते हैं। अरे मेरे बच्चे कोई नहीं, मेरा कैद करेगा मेरा बच्चे, जब ना अल्लाह को मंजूर होता है ना काम वही होते, याद रखना अगर तेरा अल्लाह तआला उधर लिखा होता ना बेटा, मेरी बात नहीं, अगर अल्लाह तआला ने लिखा होता ना बेटा तेरा उधर ही होता, लेकिन इसका मतलब अल्लाह ताला ने लिखा नहीं। उनसे बात करें, उनसे बात करें, करती हूँ मैं बात करूंगी, मैं बात करती हूँ, उन्होंने हमसे बात की है, हम उनके घर रिश्ता रह गए थे। मैं यही तो कह रही हूँ कि मैं उनसे बात करूंगी, तू सब्र कर, जरा हौसला रख, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। अगर तेरे नसीब में लिखा ना बेटा तो तेरा उधर होके रहे, और अगर लिखा नहीं तो बेटा फिर नहीं कुछ कह सकता, ये तो अल्लाह ताला ने लिखा होता है ना, सारे फैसले अल्लाह ताला ने करने होते। तू मेरा बच्चा ना, सारा परेशान, मैंने बस मेरा अब आप लोगों ने माइंड बनाया था ना, अब आप लोगों ने, मैंने आपको कहा था कि मैं रिश्ता इस उम्र में ना करें, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, 21-22 साल मेरी उम्र है, आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों ने किया, मेरा पहले दिमाग बनाया, अब लेकिन मेरा उधर दिमाग बनाया, मैंने नहीं किया, तेरे पापा का बोलता था राजीनामा, जो भी है जिसने भी किया सबने मिलकर किया ना, मरियम बाजी ने कहा ना, मरियम बाजी ने करवाया ना, उनकी दोस्त ने, वही ना पापा ने भी, पापा के भी ताल्लुकात नहीं करे, लेकिन नहीं अब उधर ही करना है। अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ख्याल करेगा। मैं भी फोन पे बात करती हूँ, अभी तो चल रहा है, अपने तरीके से प्यार से जाए, वरना मैं कहीं और नहीं होने दूंगा उसका। क्या करोगे तुम? मैं, मुझे पता क्या करूंगा, मैं बस छोड़ दे, या तो अगर मेरे से कुछ ना हो, मैं या तो अपने आप को मरूंगा, या तो मैं अल्लाह माफ करेगा, खुशी आराम है, इंसान सारी उम्र इस चीज पे अस्तफर, सारी उम्र उसी तरह मरेगा, उसी तरह जिएगा अल्लाह ताला के पास जाने के बाद, और अल्लाह ताला कभी उसकी बख्शिश नहीं करेंगे, कोई बात ऐसे बदले की कभी बख्शिश नहीं होती। तू अपनी माँ को दुख देना चाहता है ये चीज? मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं, मेरा उधर ही दिमाग है, मैंने उधर ही करना, तो फिर अगर आप चाहते हैं तो फिर आप करवाएं, जो मर्जी करें, मैं इंशाल्लाह करवाऊंगी, लेकिन इस तरह की बातें ना कर, तू अपनी माँ को दिल परेशान कर रहा है, मुझे तुझे मैं नहीं नजर आ रही, तेरे पापा नहीं नजर आ रहे, तो इस तरह करेगा कि हमें परेशान करके अल्लाह माफ करे, इस तरह दुख दे के चला जाएगा, ऐसी बातें करते हैं, इतना तेरा ईमान कमजोर है कि जरा सी बात पे तू, मतलब जरा सी बात तो नहीं, तेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बेटे दुनिया में बड़ा कुछ होता है, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि अपना शादी एकदम से कहना कि मैं ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा मर जाऊंगा। रशिदाता चल इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा, तू तो इस तरह हो रहा है बेटा, तू उजड़ गया अस्तगफार, अभी क्या एक खबर आई है और अभी कोई कंफर्म नहीं है कि वो सच्ची है। मैं कैसे रहूंगा, कैसे रहूंगा, क्या अब्दुरमान मेरा बच्चा, मेरा शहजादा, मेरा पुत्र, अब्दुरमान इस तरह होते हैं, मैं करवा दूंगी, तू क्यों परेशानी देता है, टेंशन क्यों ले रखता हूँ, बता मुझे, मेरा बच्चा, मेरा पापा, मेरा पापा तो तू मेरा सबसे प्यारा बेटा है, फिर पता ना इसे कितना प्यार करती है, अरे मैं ऐसे ऐसे नहीं करते, चल मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा शहजादा, देखना इंशाल्लाह अल्लाह ताला प्यार करेगा, मैं कह रही ना, मैं इंशाल्लाह तेरा करवाऊंगी, ठीक है, इंशाल्लाह देखना तेरी मम्मा तेरे से कर रही है, इंशाल्लाह वादा देख लेना कि मैंने किसी भी तरह करके ना इंशाल्लाह करवा देना तेरा, ठीक है मेरा बच्चा, सोचते नहीं ऐसे, अच्छा आइंदा नहीं इस तरह करना, ऐसी गल बात कभी नहीं करनी, कभी भी खुदकुशी का काम नहीं बात करनी, कभी भी, क्या हुआ हंस क्यों रहा है, क्या हुआ? मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने सारी मार्शल एक्टर जिम्मे है, क्या मतलब, ये मेरे ऐसे नासू है तो ठीक सही होने, डिस्पेंसरी के पास देखे, क्या मतलब डिस्पेंसरी के पास, मुझे भी इतना अफसोस हो रहा है, मेरी माँ बेचारी कब से गई, थकी भी आई होगी, तुम लोग ना मेरे बेटा मुझे तुम ना बहुत तंग करते हो सारी सारी, बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं करते, मैं बहुत दिन मेरा परेशान किया मुझे और बेटा तुझे मुफ्त अच्छा अच्छा
अल्लाह की कसम, अल्लाह लगेगी नहीं, अल्लाह की नहीं, मैंने डाला है, मेरी इतनी मेहनत है, मैंने अपने आंसू जाया किए इतने ज्यादा। क्या हो गया? अच्छा मम्मा मजाक किया था, क्या हो गया यार? अब मैं मजाक नहीं कर सकता। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे आंसू निकल कैसे आए हैं, है? मैं एक्टर हूँ ना, आइंदा नहीं करूंगा, प्रॉमिस, ऐसा प्रैंक नहीं करूंगा, नहीं ना, ठीक है। मैंने बड़ी मेहनत से, मैंने आपको 1.5 घंटे इंतजार किया, मैंने कैमरा पहले लगा दिया था, तो मैं लेटा रहूं, बैठा रहूं, फिर पता नहीं क्या मैंने काम किया, उसके बाद जाके अब पहले बताएं करवाएंगे कि नहीं, मेरा करवाना है वहाँ पे, इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पे रिश्ता फाइनल हो जाएगा। लोगों को भी ना तू बेवकूफ बनाता है, कितनी गलत बात है, वो भी क्या कहते होंगे कि इसके हाथ चढ़ गए। यही होता है। बाकी यार अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाजमी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली जितनी वीडियो है आप लोगों को नजर आती रहे, और इस चैनल पे ब्लॉग्स तो आती रहेंगे, साथ में कभी कभी इस तरह के इमोशनल और खतरनाक भी प्रैंक आते रहेंगे। तो यहाँ मैं करता हूँ इस वीडियो को एंड, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।